एक बार फिर आपको हम खुश आमदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे। मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर है कुछ हरकतें ऐसी रही हैं कि मेरी फ्रैक्चर्स और हड्डियाँ बहुत ज़्यादा टूटी। कब एक दिन मैं बैठा गिन रहा था, 13-14 दफ़ा मेरी बॉडी के अंदर फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। तो उसमें 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बात आई कि जी थोड़ा बहुत इसको कोई ऑपरेशन टाइप चीज़ करेंगे। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर से ये होता था कि बेहोश करेंगे कि नहीं। तो डॉक्टर कहते नहीं, बेहोश नहीं करेंगे, मतलब ये हल्का सा उंगली के, मैं कह रही बेहोश कर दें, इसलिए कि मतलब बेहोश ना करने से बेहतर है कि आप आराम से सो के उठे 8-10 घंटे के बाद जो होना था वो डॉक्टर ने आप पे कर दिया। लेकिन साइंस ने इतनी साथियों तरक्की कर ली है कि छोटी सी उंगली के ऑपरेशन क्या बड़े बड़े ब्रेन ट्यूमर्स जो है वो बगैर बेहोश किए अब सर्जन न्यूरोसर्जन अंडरटेक कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कहूंगा कि मेरा ख्याल है सुला देना ज्यादा बेहतर है। लेकिन डॉक्टर इनायतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के लीडिंग न्यूरोसर्जन। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसका अपना मजा है। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मतलब सोने दें आप पेशेंट को 8-10 घंटे, जरूर जगा के उसको बताना है कि भाई तेरे ब्रेन में हम घुस गए। बात यह है कि मेजॉरिटी जो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी है वो हम इसी तरह करते हैं, पेशेंट सोया होता है और हम ट्यूमर निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ट्यूमर ऐसे हैं, मतलब 3-4% के जो बहुत एलोक्वेंट, मतलब है कि बहुत ऐसी सेंटर मसल बोलने स्पीच सेंटर के करीब होता है या मोटर पावर जिधर से जनरेट होता है उधर होता है। तो इस ग्रुप ऑफ पेशेंट में हमने ये देखा है कि अगर हम पेशेंट को जगाएं तो उसकी सेव करने के लिए ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, अगर इसको बचा लें तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया है, यानी उसका जागना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है उससे, आप लोग कोई बातें कर रहे होते हैं साथ साथ? हाँ, वो अगर स्पीच सेंटर के नज़दीक हो तो फिर हम पेशेंट से कहें या कुरान शरीफ की तलावत करें या कोई गाना गाएं या मुसलसल बोलते रहें और हम उस दौरान रसोली को निकालते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर निकाल लेते हैं और बग़ैर स्पीच एरिया को डैमेज किए हुए। या इस तरह अगर मोटर पावर की जगह है तो हम मरीज से कहते हैं कि यार हाथ उठाओ या टांग उठाओ, डिपेंड करता है कि हाथ एरिया है या टांग के एरिया है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अगर हाथ गिर जाए तो मतलब है कि हम अपनी जगह से, ट्यूमर की जगह से बाहर निकल रहे हैं, तो वी स्टॉप एट दैट पॉइंट। हाँ, अच्छा, आई थॉट कि ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्लेजर के लिए है कि नहीं जी आप जाग रहे हैं और आपके ब्रेन की सर्जरी हो रही है, इसका ताल्लुक उसकी फाइनल सेहतमंदी से है। हाँ बिल्कुल नहीं, इसकी मतलब है कि ये सेहत का, ताकि हम मरीज को बग़ैर डैमेज किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर निकाल लें और उसको पूरा चांस दें कि वो ट्यूमर की जो असरात है उससे बचे। इसके लिए जैसा सर्जन का ट्रेन होना ज़रूरी है, इस तरह एनेस्थेटिस्ट का भी ट्रेन होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अगर आपके साथ क्वालिफाइड और मतलब ऐसा एनेस्थेटिस्ट ना हो जो इस स्पेशलिटी में स्पेशली ट्रेन ना हो, तो फिर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़्यादा कमाल एनेस्थेटिक टीम का है। लेकिन अब तो एनेस्थीसिया तो देना नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, वो शुरू में हम दे रहते हैं। अच्छा। फिर जगा रहते हैं दरमियान में। ओके। हाँ, और सपोज अगर पेशेंट पैनिक कर जाए दरमियान में, आप क्योंकि जाग रहा होता है यस, तो उसका साथ होना जरूरी है, तो फौरन फिर दोबारा सुला देते हैं। तो एनेस्थेटिस्ट का मौजूद होना उसके बगैर नहीं हो सकता। हाँ, वो जगा लेता है, फिर आखिर में जब हम ये सिर्फ देखिए जो इम्पॉर्टेंट एरिया है उसको बचाने के लिए है, बाद में जब हम ट्यूमर निकाल लेते हैं मरीज को फिर सोने देते हैं, मरीज को फिर सुला देते हैं, तो फिर हम कोपड़ी को या जो जख्म हो वो बंद कर लेते हैं। लेकिन ट्यूमर निकालने के दौरान हम उसको, वो जागता रहता है और हम उसके साथ बातें करते हैं। और ये अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में ये नई इंटरवेंशन है। हाँ, काफ़ी अर्से से, लेकिन चूंकि हमारे साथ एनेस्थेटिस्ट नहीं था तो इसलिए हम नहीं कर रहे थे। तो अब शुक्र है हमारे पास ये एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है, तो हमने करना शुरू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि
आपका ताल्लुक ब्रेन और सारी सर्जरी और सारे से है। एक जो बहुत कॉमन मसला हमें नज़र आता है, ख़ासतौर पे अभी प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बात कर रहा था कि 2005 के जलजिले के बाद हमने देखा कि केपी और कश्मीर में बहुत से यंगस्टर्स जो हैं पूरी ज़िंदगी के लिए पैरल है। अभी तक कोई न्यूरो सर्जरी में ऐसी टेक्निक नहीं आई कि जो लोअर बॉडी या बैक स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज हो जाने से जो माजूरी आ जाती है, इसका कोई इलाज नहीं। अगर जिस वक्त पेशेंट हमारे पास पहुंच जाता है और उसके टांगों में कोई हरकत न हो, कोई सेंसेशन न हो, उसका छोटे और बड़े पेशाब का कंट्रोल ना हो, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे याद है हमने काफ़ी पेशेंट के स्पाइन को स्टेबलाइज किया था और फिर हमने उसको एक्चुअली रिहेबिलिटेशन की जो टीम थी वो उसमें इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने हमने ब्रेसेस वगैरह बनाए थे और वो अब भी क्रचेस के साथ वो दे कैन मूव अराउंड। ओके, यानी कि इस हो सकता है मतलब वो जो ओरिजिनल फंक्शन है 100% वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन वो मोबाइल हो सकते हैं पेशेंट। कमिंग बैक टू द न्यूरो द ब्रेन सर्जरी और जो ट्यूमर वाला, इस वक्त जो बहुत ज़्यादा हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, जिनके घर में, उनके बहन भाइयों में से या फैमिली में से खुदा ना खास्ता कोई ब्रेन ट्यूमर का मरीज मौजूद है, लोगों को आप क्या कहेंगे? लोग ज़रा थोड़ा सा डरते हैं सर्जरी के लफ्ज़ से। क्या इस वक्त पाकिस्तान में जनरली, जो आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसके अलावा जनरली पाकिस्तान में आपके ख्याल में ब्रेन की ट्यूमर की सर्जरी फ़ौरन करवा लेनी चाहिए या इधर उधर कभी होम्योपैथिक, कभी हकीम, कभी एलोपैथिक, ये इलाज को आखिरी चांस देना चाहिए? What is your final take on this? आज के टीवी पर आने का मकसद भी मेरे के सामीन को बता दूं कि जो वो समझते हैं कि जिस बंदे को ब्रेन ट्यूमर हो गया बस वो ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यकीन कर लें कि बेनाइन ट्यूमर होते हैं उसका रिज़ल्ट तो अगर 100% नहीं होता तो 95% में आप मतलब मरीज़ को 20-20 साल के लिए 25 साल के लिए बचा लेते हैं, दे कैन लिव देयर नॉर्मल लाइफ। अगर मतलब है कि जैसे मैलिग्नेंट जो होता है सबसे ख़तरनाक ट्यूमर होता है, अगर आप सर्जरी नहीं करेंगे तो ज़िंदगी 2-3 महीने होती है। और हमने देखा है जो जो नए फैसिलिटीज़ आई है, जो अवेक क्रेनियोटमी हो गया, अब हमने मरीज़ को डाई भी देना शुरू किया है और फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो डाई जो का पार्ट है वो ट्यूमर ले लेता है और वो ब्लू नज़र आता है। तो यू कैन कम्प्लीटली रिसेक्ट दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो ट्यूमर ने इन्वॉल्व किया हो बगैर पेशेंट को डैमेज किए हुए। तो मतलब है कि मैक्सिमम आप ट्यूमर निकाल लेते हैं और फिर आजकल देखें रेडियोथेरेपी आई है, नए कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल है, तो यू कैन एक्सटेंड द लाइफ फ्रॉम मोर देन 2 ईयर्स। अगर आप ना करें तो 2 महीनों में वो मर जाते हैं। यानी कि सर्जरी जो है वो अब जितनी सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल हो चुकी है ये पूरा अमल जो है कि उसके अंदर रिकमेंडेड होता है कि सर्जरी करवा के आप अपनी लाइफ को एक्सटेंड करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो बहुत ज़्यादा नए इक्विपमेंट आए हैं, जैसे न्यूरो नेविगेशन हम कहते हैं, जो कंप्यूटराइज तरीके से आप पिक्चर बना लेते हैं और उसी बिल्कुल ट्यूमर के ऊपर पिन पॉइंट आप होल बना लेते हैं और फिर वो मदद देता है निकालने में भी, और इस तरह ये डाया जो आया है ये भी पूरा ट्यूमर निकालने में मदद देता है। जैसे आपने कहा न्यूरो नेविगेशन, यानी कि वो पूरा रास्ता बताता है कि ट्यूमर कहाँ पड़ा रहता है। बिल्कुल, और तीसरा ये जो मैंने बताया अवेक क्रेनियोटमी, ये सब हेल्प करते हैं कि बगैर पेशेंट के डैमेज किए हुए अब मैक्सिमम ट्यूमर निकाल लें। जाहिर है हमने इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग किया हुआ था और चूंकि ये सामान अब अवेलेबल है तो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा दिलचस्प सा ये खबर थी, तो हमने सोचा कि डॉक्टर साहब को बुलाएं और आपको बताएं कि जागते हुए भी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन है और हो रही है। और लेकिन अब मुझे पता चला कि वो सिर्फ शौकिया जागना नहीं है, उससे फ़ायदा ये हो रहा होता है कि साथ साथ पता लग रहा होता है या ब्रेन के किसी और काम को डैमेज तो नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।